हेलो दोस्तों, मैं USB, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, जून के महीने में मतलब कि 7 जून को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ था बॉलीवुड की मूवी मुंजिया, जिसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर अभय वर्मा, सरवरी वक्त, मोना सिंह और सत्यराज जैसे एक्टर देखने को मिले थे। और इस मूवी को लगभग थिएटर्स में रिलीज हुए 26 डेज के आसपास का कम्प्लीट हो चुका है और इस मूवी के 26 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो कि करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे मुंजिया मूवी का जो टोटल बजट था वो लगभग 30 करोड़ के आसपास का ही था, तो उस बजट के सामने इस मूवी को अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया में 1000 के आसपास के ही स्क्रीन रिलीज किया गया था। जहाँ पे इस मूवी को मार्केट में खास प्रमोट तो नहीं किया गया था, पर फिर भी ऑडियंस के बीच में इस मूवी को लेकर अच्छा खासा हाइप था, जिसका कि सबसे बड़ा रीजन यही था कि यह मूवी दिनेश विजन के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का एक हिस्सा था। तो उसी के चलते इस मूवी का एडवांस टिकट बुकिंग भी ठीक ठाक हमें देखने को मिला और इस मूवी ने अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया से 3.75 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे ओपनिंग लिया था। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी का रिव्यू काफ़ी अच्छा निकलने के वजह से इस मूवी का जो डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वह हमें अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिला था। जहाँ पे मुंजिया मूवी अपने रिलीज होने के लगभग 25 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से 80 करोड़ 85 लाख के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर चुका था। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी के डेट 26 का जो हमारे इंडिया का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल के आया है वो तो लगभग 45 लाख के आसपास का है, जिस अमाउंट को अगर इस मूवी के 25 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो अभी मुंजिया मूवी अपने रिलीज होने के 26 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से 81 करोड़ 20 लाख के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर चुका है। जिस मामले में इस मूवी का बजट तो लगभग 30 करोड़ के आसपास का ही था और अगर इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे हिट का टैग लेना था तो इसे 40 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करना पड़ता। जो कलेक्शन थे मूवी बहुत पहले बॉक्स ऑफिस पे कलेक्ट कर चुका है और अभी भी जिस तरीके से इस मूवी का थोड़ा बहुत कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है उससे एक बात तो मैं कन्फर्म कह ही सकता हूँ कि मुंजिया मूवी का ऑल टाइम हमारे इंडिया का जो नेट कलेक्शन होगा वो 90 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के आसपास का जा सकता है, जो कि जाना थोड़ा सा मुश्किल है बट होने को तो कुछ भी हो सकता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने मुंजिया मूवी को अगर थिएटर में जाके देखा है तो आप लोगों का इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है, इस बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।